बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, 14 अगस्त की तैयारियाँ चल रही हैं और आज मैं भी इसी हवाले से निकली थी शॉपिंग करने, तो साथ साथ मैंने आप सब के लिए भी वीडियो बनाई है और हर तरफ जो है बहुत ही जोश खरोश से जो है तैयारियाँ चल रही हैं 14 अगस्त की, और हर तरफ जो है ग्रीन और वाइट का समा है आजकल। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है जश्न आज़ादी मुबारक हो। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कर लीजिए, जो मेरे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक कर दें। लाइक करना नहीं भूला करें, लाइक्स बहुत कम होते हैं, लाइक कर दें जल्दी से अगर अभी भी नहीं किया है। तो जी, यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कुछ स्टॉल्स का मैंने विजिट किया, बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही थी 14 अगस्त के लिए, तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी जो है चीज़ें आई हुई हैं ग्रीन और वाइट के कलर्स कॉम्बिनेशन में। और मैंने ये जो है अपने घर के करीब से ही मतलब मार्केट से थोड़ी ख़रीदारी की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने टाइम से बंद था सब कुछ और एकदम यानी कि सब खुला है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का, तो हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है और यानी कि हर कोई अपनी शॉपिंग में लगा हुआ है। और अब के जो इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि एकदम 14 अगस्त और मुहर्रम साथ साथ ही यानी कि चल रहे हैं आगे पीछे, 14 अगस्त से उसके कुछ दिन बाद जो है यौम आशूरा आ जाएगा। तो अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं ये बैजेस आपको नज़र आ रहे हैं और बड़े प्यारे से खूबसूरत से बैजेस, और एक अलग सी ही मोहब्बत होती है इस हरे और वाइट रंग से हमें, और बहुत ही सुकून मिलता है इस तरह से लगा के बैजेस वगैरह को, बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो मैं भी यहाँ देख रही थी, लेकिन बस ये कि प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो वही मैं सोच रही थी कि यानी कि कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे यहाँ पर बस और कमाने का, यानी कि एक सीज़न आता है इन लोगों का, और डबल डबल कीमतें बता रहे थे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं तो होलसेल मार्केट्स वगैरह विज़िट कर रही होती हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा होता है कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही होती है। ठीक है, सही है, प्रॉफिट रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि बेचारी हमारी आवाम बस क्या करें, यानी कि जहाँ अगर चार चीज़ें लेंगी तो वहाँ वो दो चीज़ें ही लेगी। अच्छा जी, यहाँ भी देखें बड़े खूबसूरत से कपड़े नज़र आ रहे हैं। ये फ्रॉक अगर मैं आपको बताऊँ तकरीबन ये 2-2.5 साल या 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक होगी, और इसके प्राइस जो है इन्होंने मुझे 650 बताए, तो बहुत बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे। और यानी कि ये कोई इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं होते, क्योंकि ये वन डे यूज़ के लिए ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद जो है इनकी एक एक चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं कपड़ों की, तो मुझे तो खैर इतने छोटे बच्चों के कपड़े लेने नहीं थे। अदीबा के लिए मैं कोई कुर्ती देख रही थी कि मुझे मिल जाए, तो ये तो बस छोटे छोटे से थे, तो बस मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन लग बहुत प्यारे थे खूबसूरत से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे ग्रीन और वाइट का अच्छा लगता है इस तरह से पहनना, और यानी कि मैचिंग में ग्रीन और वाइट, तो मैं वही देख रही थी, मुझे कोई कुर्ती समझ में नहीं आई और मैंने काफ़ी सर्च की, तो अब्दुल्ला और हुसैन के लिए मैंने एक शर्ट ली थी, तो वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। और सब जगह देखें कितनी रौनकें लगी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा रही थी, दुबई हमारी यही रौनकें हैं जिनको देख के हमारी जान में जान आती है। अल्लाह ताला जो है हमारे कराची की और हमारे मुल्क पाकिस्तान की रौनकों को इसी तरह से बहाल रखें बस, और अल्लाह ताला जल्द से जल्द कोरोना की वबा से हमारी जान छूटे। अच्छा जी, यहाँ ये देखें, ये मैं कुछ शर्ट्स वगैरह दिखा रही हूँ आपको, ये मैं यहाँ से देख रही थी हुसैन के लिए ना, तो मैं असल में मुझे इस तरह से ये आर्मी और फौजी स्टाइल में जो कपड़े होते हैं ना डिज़ाइनिंग में, मुझे इस तरह के अच्छे लगते हैं, तो वही मैं देख रही थी कोई अच्छे से स्टफ़ में मिल जाए मुझे, तो यानी कि घर में शॉर्ट होते हैं पैंट्स वगैरह होती हैं, तो आप वो भी निकाल के बच्चों के साथ मैच करा के पहना सकते हैं, तो मैंने भी इस तरह ही किया था। ये देखें यहाँ पर कितने खूबसूरत से ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं, वाइट कमीज शलवार है, साथ जो है ग्रीन कलर का वेस्ट कोट है। और अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूँ ये कौन सी मार्केट में घूम रही हूँ, शाफिसल कॉलोनी में शामा शॉपिंग सेंटर है, ये वो मार्केट है वहाँ की, ये जो लोग यहाँ रहते हैं या करीब के लोग हैं, काफ़ी मशहूर मार्केट है ये शामा शॉपिंग सेंटर। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ का आपको फुल विज़िट भी करा दूँगी, और अक्सर हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं और काफ़ी सालों से यहाँ से, यानी कि कभी कुछ ऐसा होता है अर्जेंट में कुछ लेना पड़ जाता है तो फिर मैं यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये जो शर्ट देख रहे हैं बड़ी प्यारी सी, ये हुसैन के लिए मैंने पसंद की, तो मुझे मेरी पसंद की शर्ट मिल गई थी, क्योंकि इस पर जो है छपाई वाली प्रिंटिंग नहीं हुई हुई थी, और इससे पहले जो मैंने शर्ट पसंद की थी वो छपाई वाली थी, तो ये मैंने हुसैन के लिए पसंद की थी। और इसके आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितनी रौनकें लगी हुई है माशाल्लाह से। अच्छा जी, अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज पे भी, तो वो भी आपको आईडी शो हो रही होगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ ये बड़ी शर्ट्स मैं देख रही थी अब्दुल्ला के लिए, तो ये भी बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी शर्ट्स थी, और इनके प्राइस 400, यकीन करें कम ही नहीं करें भाई, नहीं करते कम।
और ऐसे सीज़न पे तो बस कहते हैं बस लेना तो है ना हर हाल में लोगों ने, तो बस वो प्राइस कम नहीं करते, तो 400 में शर्ट मिली है, कोई बार्गेनिंग नहीं। तो इसी तरह से बस ये थोड़ा सा निकल के मैंने ख़रीदारी की, और ये फ्लैग देखे हैं अभी, ये मतलब ये प्लास्टिक की डंडी के साथ है फ्लैग, और इसके प्राइस जो है 50 रुपीज़ उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे ज़्यादा लग रहे थे प्राइस, लेकिन वही बात है ना, बस क्या बहस भी नहीं कर सकते ज़्यादा इस टाइम पे, तो क्योंकि बस ये कहते हैं हमारा सीज़न है और हम कमाल है। और यही देखे हेयर बैंड कैसे बनाया हुआ है हेयर बैंड, और हम ये घर में ईजी भी बना सकते हैं, इसके ऊपर खाली वो जो ग्लिटर शीट आती है ना वो काट के लगाई हुई है वाइट कलर का, और प्लास्टिक का हेयर बैंड है, और इसके भी 50 रुपीज़ बता रहे थे मुझे। तो बहरहाल मैंने मुख्तलिफ किस्म के स्टोर्स का विजिट किया, कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी, लेकिन मुझे अदीबा के लिए कुर्ती फिर भी नहीं मिली कुछ अच्छी सी जो मैं सर्च कर रही थी। तो ये एक इंशाल्लाह देखूँगी, फिर बस कुछ ही दिन रह गए हैं 14 अगस्त में, और ये देख सकते हैं मैं आपको फ्रंट से दिखा रही थी शमा शॉपिंग सेंटर जो है ये शाह फैसल कॉलोनी में, तो ये मैं आपको बाहर से ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ का। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ मैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।